होता है। राम की भक्ति राम की पूजा हनुमत के मन भाता है। बालापन से राम दरस की मन में आस लगाए थे, खुद बन गए छोटा वानर और शिव को मदारी बनाए थे। महल अयोध्या आ गए दोनों, महल में अलख जगाए थे। शिव शंकर ने डमरू बजाया हनुमत नाच दिखाए थे। छोटा वानर बन के हनुमत राम का दर्शन पाता है। राम की भक्ति राम की पूजा हनुमत के मन भाता है। सागर पार किया था तुमने, लंका नगरी धाए थे। लंका जलाकर रावण की सीता की सुध तुम लाए थे। मेघनाद ने शक्ति मारी, लक्ष्मण जी मुरझाए थे। संजीवन लाकर तुमने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। रामचंद्र के बिगड़े सारे बजरंग काज बनाता है। राम की भक्ति राम की पूजा हनुमत के मन भाता है। लौट अयोध्या आए, राज तिलक की तैयारी है। चवर ढुराए भरत शत्रुघ्न, नाचे अयोध्या सारी है। विभीषण ने फिर बीच सभा में इनका मजाक उड़ाया है। अपना सीना चीर के राम सिया का दर्श कराया है। इसीलिए तो सबसे बड़ा ये राम भक्त कहलाता है। राम की भक्ति राम की पूजा हनुमत के मन भाता है।
श्री राम की माला जपते, श्री राम की माला जपते बाला बजरंगी, ओ बाला बजरंगी, बाला बजरंगी, ओ बाला बजरंगी। बस राम राम ही रटते, बस राम राम ही रटते बाला बजरंगी, ओ बाला बजरंगी। बालापन से बालाजी ने राम जी को ध्याया है, राम जी को ध्याया है, राम जी को ध्याया है। हाथ खड़ ताल धारे राम नाम गाया है, राम नाम गाया है। प्रभु राम को हृदय धारे, प्रभु राम को हृदय धारे, है बाला बजरंगी, है बाला बजरंगी, बाला बजरंगी, ओ बाला बजरंगी। राम जी के बालाजी ने काज बनाए हैं, काज बनाए हैं, काज बनाए हैं, फिर भी राम चरणों में शीश नवाए हैं, शीश नवाए हैं, शीश नवाए हैं। ओ राम जी के बालाजी नवाए हैं, बस राम ही राम मनाए, बस राम ही राम मनाए, है बाला बजरंगी, है बाला बजरंगी। राम को ही बालाजी ने सब कुछ माना है, सब कुछ माना है, सब कुछ माना है। राम जी के चरणों में इनका ठिकाना है, इनका ठिकाना है, इनका ठिकाना है। हाँ राम को ही बालाजी ने सब कुछ माना है, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना है। ये तो राम धुनी है रमाए, ये तो राम धुनी है रमाए, बाला बजरंगी है बाला बजरंगी।
राम नाम चंदन से खुद को रंगाया है, खुद को रंगाया है, खुद को रंगाया है। राम नाम सरिता में गोता लगाया है, गोता लगाया है, गोता लगाया है। हाँ, राम नाम चंदन से खुद को रंगाया है, राम नाम सरिता में गोता लगाया है। राम जपो तो खुश हो जाए, राम जपो तो खुश हो जाए। बाला बजरंगी है, बाला बजरंगी, बाला बजरंगी, ओ बाला बजरंगी। श्री राम की माला जपते, प्रभु राम की माला जपते, बाला बजरंगी है, बाला बजरंगी। तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। सागर को लांघ के जिसने, सागर को लांघ के जिसने सीता का पता लगाया, सीता का पता लगाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जिसने बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जिसने बजाया। माता अंजनी की ऐसी, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। लक्ष्मण को बचाने की जब, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी। पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए।
साला सर में भक्तों की, साला सर में भक्तों की, ये पूरी करे मुरादे, ये पूरी करे मुरादे। मेहंदीपुर में ये सोनू दुखियों के दुखड़े काटे, मेहंदीपुर में ये सोनू दुखियों के दुखड़े काटे। दुनिया से निराले इसके, दुनिया से निराले इसके, दोनों धाम के लिए एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। सुदी पूनम मंगल का जन्म वीर ने पाया है, जन्म वीर ने पाया है। लाल लंगोटा गदा हाथ में, सिर पर मुकुट सजाया है, सिर पर मुकुट सजाया है। शंकर का अवतार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान का बल भी तुमने पाया है, बल भी तुमने पाया है। ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान का बल भी तुमने पाया है, बल भी तुमने पाया है। राम काज करने को शंकर वानर रूप में आया है, वानर रूप में आया है। लीला अपरंपार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। हरदम ध्यान लगाया है, हरदम ध्यान लगाया है। बालापन में महावीर ने हरदम ध्यान लगाया है, हरदम ध्यान लगाया है। शाप दिया ऋषियों ने तुमको, बल का ध्यान भुलाया है, बल का ध्यान भुलाया है। राम नाम आधार है, महावीर का वार है,
ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। राम जन्म हुआ अयोध्या में, कैसा नाच न जाया है, कैसा नाच न जाया है। कहा राम ने लक्ष्मण से यह वानर मन को भाया है, वानर मन को भाया है। राम चरण से प्यार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। पंचवटी से सीता माँ को रावण लेकर आया है, रावण लेकर आया है। पंचवटी से सीता माँ को रावण लेकर आया है, रावण लेकर आया है। लंका में जाकर तुमने माता का पता लगाया है, सीता का पता लगाया है। अक्षय को दिया मार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई जावे उसका बेड़ा पार है। मेघनाथ ने ब्रह्म पाश में तुमको आन फसाया है, तुमको आन फसाया है। मेघनाथ ने ब्रह्म पाश में तुमको आन फसाया है, तुमको आन फसाया है। ब्रह्म पाश में फंस करके ब्रह्मा का मान बढ़ाया है, ब्रह्मा का मान बढ़ाया है। बजरंगी बाकी मार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। लंका जलाई जब हनुमत ने, रावण भी घबराया है, रावण भी घबराया है। लंका जलाई जब हनुमत ने, रावण भी घबराया है, रावण भी घबराया है। राम प्रभु को आकर के माँ का संदेश सुनाया है, माँ का संदेश सुनाया है। सीता शोक अपार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है।
लक्ष्मण को बूटी लेने धाए हैं, बूटी लेने धाए हैं। लाकर बूटी लक्ष्मण जी के तुमने प्राण बचाए हैं, तुमने प्राण बचाए हैं। राम लखन से प्यार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है।
सीना फाड़ दिखा डाला। अवध की शोभा लगती स्वर्ग लोक से भी प्यारी, 14 वर्षों बाद राम की राज तिलक की तैयारी। आज अवध की शोभा लगती स्वर्ग लोक से भी प्यारी, 14 वर्षों बाद राम की राज तिलक की तैयारी। हनुमत के दिल की मत पूछो, झूम रहा है मतवाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। लगा राम दरबार सभा में बहुत से राजा थे आए, ले उपहार सभा में पहुँचे भर भर थाल सजा लाए। लगा राम दरबार सभा में बहुत से राजा थे आए, ले उपहार सभा में पहुँचे भर भर थाल सजा लाए। लंकापति ने भेंट में दी रत्न जड़ित सुंदर माला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। रत्न जड़ित सुंदर माला वो चमक रही थी अति भारी, प्रभु राम जी ने खुश होकर सीता जी को दे डाली। रत्न जड़ित सुंदर माला वो चमक रही थी अति भारी, प्रभु राम जी ने खुश होकर सीता जी को दे डाली। माला दी हनुमत को सिया ने, इसको पहन मेरे लाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। चमक दमक देखी तो तोड़ तोड़ कर फेंक रहे।
माला हाथ में लेकर हनुमत घुमा फिरा कर देख रहे। काली चमक दमक देखी तो तोड़ तोड़ कर फेंक रहे। लंकापति मन में पछताया, पड़ा है बंदर से पाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। लंकापति का धीरज टूटा, क्रोध की भड़क उठी ज्वाला। भरी सभा में बोल उठा, क्या पागल हो अंजनी लाला। लंकापति का धीरज टूटा, क्रोध की भड़क उठी ज्वाला। भरी सभा में बोल उठा, क्या पागल हो अंजनी लाला। माला को तोड़ा तुमने क्यों, गाज का फल है समझ डाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। लंकापति से हनुमत बोले, मुझे है माला से क्या काम। मेरे काम की चीज वही है जिसमें बसते मेरे राम। लंकापति से हनुमत बोले, मुझे है माला से क्या काम। मेरे काम की चीज वही है जिसमें बसते मेरे राम। राम नजर नहीं आए इसमें, यूं बोला बजरंग बाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। बसे हैं भरी सभा में कह डाला। इतनी सी बात सुनी हनुमत की, बोल उठा लंका वाला। तेरे में क्या राम बसे हैं भरी सभा में कह डाला। फाड़ के सीना हनुमत ने सिया राम का दरस करा डाला। जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला।
हनुमत के हृदय में देखी राम की वो प्यारी मूरत। उस घड़ी लंका के राजा की देखने लायक थी सूरत। हनुमत के हृदय में देखी राम की वो प्यारी मूरत। उस घड़ी लंका के राजा की देखने लायक थी सूरत। भरी सभा में गूंज उठी जय हो अंजनी लाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। लगन देखी हनुमत की सभी देवता हर्षाए। राम के इतने प्यारे हो तुम भक्त शिरोमणि कहलाए। राम लगन देखी हनुमत की सभी देवता हर्षाए। राम के इतने प्यारे हो तुम भक्त शिरोमणि कहलाए। पुष्पों की वर्षा करते ब्रह्मा विष्णु डमरू वाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। हनुमान जी मिलेंगे राम राम बोल। राम राम बोल ना लगे है कोई मोल। राम राम बोल ना लगे है कोई मोल। हनुमान जी मिलेंगे राम राम बोल। हनुमत के सीने में बसते हैं राम जी। हनुमत के सीने में हनुमत के सीने में बसते हैं राम जी। हनुमत के सीने में बसते हैं राम जी। तेरी झोली भरेंगे बस राम राम बोल। राम राम बोल ना लगे है कोई मोल। राम राम बोल ना लगे है कोई मोल। हनुमान जी मिलेंगे राम राम बोल। लाल लंगोटा सोहे हाथ में सोटा। लाल लंगोटा सोहे
लाल लंगोटा सोहे हाथ में सोटा, लाल लंगोटा सोहे हाथ में सोटा, तेरी रक्षा करेंगे बस राम राम बोल, राम राम बोल ना लगे है कोई मोल, राम राम बोल ना लगे है कोई मोल, हनुमान जी मिलेंगे राम राम बोल, हनुमान जी मिलेंगे राम राम बोल। भक्त शिरोमणि हनुमत कहाते, भक्त शिरोमणि, भक्त शिरोमणि हनुमत कहाते, भक्त शिरोमणि हनुमत कहाते, भय शोक मिटेंगे बस राम राम बोल, राम राम बोल ना लगे है कोई मोल, राम राम बोल ना लगे है कोई मोल, हनुमान जी मिलेंगे राम राम बोल, हनुमान जी मिलेंगे राम राम बोल, हनुमान जी मिलेंगे राम राम बोल। बूटी ले आओ हनुमान प्यारे, 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 मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाना, डूबती तेरे राम की नैया, 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 बाला तू आके पार लगाना, बूटी ले आओ हनुमान प्यारे। जो भैया भैया मुझको कहता, आज भूमि पे मूर्छित पड़ा है, आंखें खोले ना कुछ बात बोले, जाने कैसी ये जिद पे अड़ा है, बोले ना कुछ बात बोले, जाने कैसी ये जिद पे अड़ा है, तूने भगवान मुझको है माना, भक्ति का फर्ज बाला
निभाना। बूटी ले आओ हनुमान प्यारे, मां सुमित्रा ने मुझसे कहा था तुम तीनों ही साथ में आना। राम सेवा में तेरी लाल मेरा, सकुशल ही मुझे तू लौटाना। मैया को मुँह में कैसे दिखाऊं मेरे हनुमत तू मुझको बताना। बूटी ले आओ हनुमान प्यारे, अब और लाओ न हनुमत लेके संजीवन अब तो आ जाओ। होने वाली है भोर ओ प्यारे, प्राणों का संकट आके मिटाओ। तुम हो भक्ति के चंदन ओ बाला, वादा अपना नहीं भूल जाना। डूबती तेरे राम की नैया, डूबती तेरे राम की नैया, बाला तू आके पार लगाना। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, जग का तू रखवाला, बल बुद्धि विद्या देने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। बजरंग बली
जो शरण तुम्हारी आते, करके दर्शन आपका भगवान सारी खुशियाँ पाते। जो शरण तुम्हारी आते, मंगलवार को बजरंगी भक्तों पे कृपा बरसाते हैं, मन मांगी पाते हैं मुरादे जो इनके दर आते हैं। संकट हरते बजरंगी, मंगलवार को बजरंगी भक्तों पे कृपा बरसाते हैं, मन मांगी पाते हैं मुरादे जो इनके दर आते हैं। राम प्रभु के सेवक प्यारे राम भक्त कहलाते, करके दर्शन आपका भगवान सारी खुशियाँ पाते। जो शरण तुम्हारी आते, तीनों लोक चौदह भुवन में गूंजे तेरा जयकारा है, इस कलयुग में भक्त जनों का तू ही एक सहारा है। संकट हरते बजरंगी, संकट मोचन बजरंगी, तीनों लोक चौदह भुवन में गूंजे तेरा जयकारा है, इस कलयुग में भक्त जनों का तू ही एक सहारा है। संकट में जब भक्त पुकारे तुम दौड़े आ जाते, करके दर्शन आपका भगवान सारी खुशियाँ पाते। राम भक्त बजरंगबली, जो शरण तुम्हारी आते, करके दर्शन आपका भगवान सारी खुशियाँ पाते। जो शरण तुम्हारी आते, कलयुग के जाने सकल जहान है, सबके रक्षक संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान है। संकट हरते बजरंगी, संकट मोचन बजरंगी, सिद्ध देव हो तुम कलयुग के जाने सकल जहान है, सबके रक्षक संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान है। अंजन सुत के सरी नंदन सिया राम के मन को भाते, करके दर्शन आपका भगवान सारी खुशियाँ पाते। राम भक्त बजरंगबली, जो शरण तुम्हारी आते, करके दर्शन आपका भगवान सारी खुशियाँ पाते। जो शरण तुम्हारी आते,
इस दुनिया में खोज लिया आसमान, भाई ना भरत सा मिला, भक्त ना हनुमत समान, भक्त ना हनुमत समान। प्रिय श्रोताओं, आज हनुमान जी का दिन है। आज हम आपको रामायण की एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। कहानी छोटी सही पर शिक्षा से भरपूर है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जब 14 वर्षों का वनवास मिला, उसी समय उनकी धर्म पत्नी माता सीता को रावण हर के ले गया। राम जी शोक में डूबे हुए थे कि कैसे लंका जाया जाए, आखिर कौन जाएगा सीता का पता लगाने। बहुत सोच विचार करने के बाद में भगवान श्री राम ने अपने भक्त हनुमान को ये जिम्मेदारी सौंपी कि जाओ और जाके सीता का पता लगाओ। हनुमान जी क्षण मात्र भी देर किए बिना राम जी का नाम लेकर कैसे हवा में उड़ते गए, आइए सुनते हैं। हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान, राम काज करने को महाबली, राम काज करने को महाबली, बोल के जय श्री राम। हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान, पता लगाओ। उठो हनुमान जाओ, सिया का पता लगाओ। खोया बल याद आया, कपी ने गर्जन लाया, धरती अंबर लगे हिलने, समंदर भी थर्राया। हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान। प्रिय भक्तों, माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका की ओर उड़ चले। अब देवताओं ने ये सोचा, हनुमान जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे या नहीं, चलिए इनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेते हैं। इस काम के लिए देवताओं ने सुषा नामक राक्षसी को भेजा, मगर हनुमान बड़ी चतुराई से सुरशा को मात देकर आगे बढ़ चले और आगे उनको लंकिनी मिली, उसको अपने बल से मार गिराया और सीधे अशोक वाटिका जा पहुंचे। इसके बाद क्या हुआ, आइए सुनते हैं। माता सीता को देखे वो सुंदर रूप निरेखे, देख के इधर उधर वो अंगूठी पास में फेंके, देख के इधर उधर वो अंगूठी पास में फेंके, देख के सिया माँ को अंगूठी अपनी पहन
हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंच गए और उसी पेड़ पर जा बैठे जिसकी छाया में माता सीता बैठी थी। राम जी का नाम लेकर उन्होंने ऊपर से राम जी की दी हुई अंगूठी नीचे गिराई। उसको देखकर माता सीता समझ गई कि ये जरूर कोई राम भक्त है जो मेरी तलाश में यहाँ आया हुआ है। वीर हनुमान राम नाम जपते हुए पेड़ से नीचे आए और माता सीता को प्रणाम करते हुए ये बताया कि मैं हनुमान हूँ, भगवान श्री राम का भक्त हूँ, और आश्वासन दिया कि माते आप चिंतित ना हो, भगवान श्री राम जल्द ही यहाँ आएंगे और अपने साथ आपको अयोध्या वापस लेकर जाएंगे। और इसके बाद माता सीता से आज्ञा लेकर वे अशोक वाटिका में कुछ फल खाने लगे और साथ ही साथ पेड़ों को उखाड़ के फेंकने लगे। इस प्रकार वाटिका को उजड़ते हुए देखकर रावण का छोटा पुत्र अक्षय कुमार वाटिका की रक्षा के लिए आया और उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। आगे क्या हुआ चलिए सुनते हैं। अशोक वाटिका उजाड़े वो अक्षय कुमार को मारे, बल का परिचय बतलाए कपि असुरों को संहारे। सन्मुख कपि को बांध के लाया, पिता रावण के सन्मुख कपि को बांध के लाया। क्रोधित रावण कपि से बोला, क्रोधित रावण कपि से बोला, हर लूंगा तेरे प्राण, हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान। मेघनाद गुस्से में जाते हैं और जाकर हनुमान जी को तुरंत बंदी बनाकर रावण के सामने ले जाते हैं। जब हनुमान जी का सामना रावण से होता है तो वो तनिक भी नहीं घबराते और चेतावनी देते हैं कि माता सीता को आदर सहित भगवान श्री राम के पास लौटा दो और भगवान श्री राम से माफी मांग लो। जिसे सुनते ही रावण गुस्से से भड़क उठता है और हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा देता है। और पूंछ में आग लगने के बाद हनुमान जी ने क्या किया ये तो पूरी दुनिया जानती है। आइए सुनते हैं। क्रोध में रावण आया, पूंछ में आग लगाया, कपि ने क्रोधित होकर लंका नगरी को जलाया। कपि ने क्रोधित होकर लंका नगरी को जलाया। मिल के सीता माता को निशानी संग में लाए, आके श्री राम प्रभु से सिया का हाल बताए। बजरंगी को गले से अपने लगा लिए प्रभु राम, हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान। तो प्रिय श्रोताओं,
इसीलिए कहते हैं भगवान राम को पाना हो तो हनुमान जी की भक्ति भी साथ साथ करें। कहते हैं भगवान राम तक पहुंचने का रास्ता श्री हनुमान के द्वार से होके जाता है, और जो हनुमान जी की पूजा करते हैं हनुमान जी उनकी सदैव रक्षा करते हैं, और साथ ही साथ राम कृपा भी उन पर हमेशा बनी रहती है। जय जय श्री राम। जय भक्त शिरोमणि हनुमान।